नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। चिन्नौनी क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव में शनिवार को बाघ ने दहशत फैला दी। शौच के लिए जा रहे एक किशोर पर बाघ ने हमला किया, जिससे उसके पैर बुरी तरह से घायल कर दिए। गनीमत रही कि युवक का चाचा वहां आ गया, जिसने इस बाघ को वहां से भगाया, तब युवक की जान बच सकी। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर बाघ की नरसिंहपुरा में आमद को देखते हुए वन विभाग और चिन्नौनी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसी बीच बीहड़ में पुलिस की गाड़ी पर भी बाघ ने पंजा मारा। इसके बाद वन विभाग की टीम इस बाघ का पीछा कर इसे खदेड़ने का प्रयास कर रही थी। नरसिंहपुरा गांव निवासी सुनील पुत्र कप्तान जावट उम्र 18 वर्ष साल दोपहर के समय खेतों पर शौच के लिए जा रहा था। इसी बीच झाड़ियों के बीच से एक बाघ निकला और सुनील पर पीछे से हमला कर दिया। बाघ ने युवक के गिरते ही उसके पैर को पकड़ लिया। गनीमत रही कि इतने में ही सुनील का चाचा धर्म सिंह वहां आ गया, जिसने पत्थरों से इस बाघ को वहां से भगाया, तब सुनील की जान बच सकी। इसके बाद सुनील को इलाज के लिए कैलारस अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां सुनील का इलाज किया जा रहा है। उधर बाघ की नरसिंहपुरा में आमद को देखते हुए चिन्नौनी थाना पुलिस व वन विभाग की टीम पहुंच गई। पहले इस बाघ के होने की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब खोज की गई तो इसी बीच पुलिस की गाड़ी पर भी बाघ ने पंजा मार दिया। इसके बाद इसे खदेड़ने का काम वन विभाग की टीम कर रही थी। बाघ गांव में ही एक झाड़ियों में छिपा बैठा था, जिसका पुलिस की टीम ने वीडियो भी बनाया। चिन्नौनी थाना प्रभारी अविनाश राठौर ने बताया कि बाघ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, जिसके बाद भाग गया। अभी भी वह क्षेत्र में ही बना हुआ है, जिसकी वन विभाग की टीम के साथ तलाश कर रहे हैं। बाघ का इस इलाके में पहली बार आमद नहीं है। लगभग 1.5 साल पहले सरसैनी के सती माता मंदिर पर भी बाघ को देखा गया था, तब लोगों ने इसके फोटो भी निकाले। इसके बाद यह बाघ यहां से अपने आप ही चला गया था। अब 1.5 साल बाद चिन्नौनी के नरसिंहपुरा गांव में देखा गया है। बताया जाता है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर की रणथंभौर सेंचुरी से 2 से 3 बाघ श्योपुर व मुरैना जिले के जंगलों में आते जाते रहते हैं। यह बाघ चंबल नदी को पार करते हैं, इसलिए हर बार चंबल के किनारे ही देखे गए हैं। चुप रहो।